हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद राबिया बेग। आज हम बनाएंगे रशियन सैलेड। तो चलिए देखते हैं कि हमें रशियन सैलेड बनाने के लिए यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे हाफ कप फ्रेश क्रीम, हाफ कप मेयोनीज, हाफ कप हरे मटर ग्रीन पीस, एक आलू चॉप्ड, दो कैरेट चॉप्ड, हाफ कप फ्रेंच बीन्स चॉप्ड कर लेंगे। हम सब इस तरीके से चॉप कर लेंगे। हाफ एप्पल ले लेंगे, ये 4 से 5 रेड ग्रेप्स, और ज़रा सा पाइनएप्पल ले लेंगे, इसे भी चॉप्ड कर लेंगे। सबको इस तरीके से चॉप कर लेंगे इक्वल चॉप, और अभी इसे हम बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले हम कैरेट ऑयल ऐड कर लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए हमें बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। कैरेट्स को हम निकाल लेंगे अलग से। अब इसी पानी में हम ऐड कर लेंगे फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को भी हमें 2 मिनट के लिए बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा हमें वेजिटेबल्स जो है सॉफ्ट नहीं करना है, क्रंचीनेस उसमें हल्का सा होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हरे मटर ग्रीन पीस। ग्रीन पीस को भी हम 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ये देखिए ग्रीन पीस हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू। आलू को हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, क्योंकि आलू थोड़ा हार्ड होता है। ये देखिए हम सारे वेजिटेबल्स एक तरफ रख लेंगे। अब इस सारे वेजीज को जो है हम एक सैलेड बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसी में हम चॉप्ड रेड ग्रेप्स, पाइनएप्पल और एप्पल ऐड कर लेंगे। अब इस पे हम स्प्रिंकल कर लेंगे 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हमें सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है, तो हम कमी ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मेयोनीज। मेयोनीज के बाद इसमें जाएगा फ्रेश क्रीम। ये जो फ्रेश क्रीम है, ये मेयोनीज का टेस्ट जो है बैलेंस करेगा, सानेस बैलेंस करेगा। तो फ्रेश क्रीम आप ज़रूर मिक्स कीजिए मेयोनीज के साथ। अगर आप कोई डिप भी बना रहे हैं तो मेयोनीज के साथ हल्का सा फ्रेश क्रीम आप मिक्स कीजिए। ये देखिए हमारा रशियन सैलेड रेडी हो गया। चले अब इसे सर्व कर लेते हैं। हमारा रशियन सैलेड बनकर रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी बनता है और हमारा फेवरेट है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।